शासन कैसे चलाया जाए, देश की विदेश नीति, कर नीति, देश की अखंडता, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सुरक्षा कैसी हो, इन सभी के मूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ज्ञान देने और दिशा दिखाने के पीछे कोई तो है। वो है मौर्य साम्राज्य के शिल्पकार चाणक्य। इसका खुलासा अमित शाह द्वारा लिखित राम भाऊ प्रबोधिनी द्वारा प्रकाशित 52 पृष्ठों की पुस्तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के शिल्पी से होता है। दिलचस्प है कि 370 धारा खत्म करने के ऐतिहासिक कदम से एक दिन पहले अमित शाह ने भाजपा सांसदों को यह पुस्तक पढ़ने के लिए बांटी थी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर की एकता और अक्षुण्णता को बनाए रखने की संसद में शाह द्वारा की गई घोषणा सीधे तौर पर चाणक्य की कूटनीति की छाप छोड़ती है। पुस्तक में अमित शाह ने चाणक्य को उद्धृत करते हुए लिखा है कि सिकंदर के हमले के वक्त चाणक्य ने कहा था, अगर हम भारत को एक नहीं रख सके तो हमारी संस्कृति, परंपराएं, हमारा अस्तित्व सब एक दिन लुप्त हो जाएंगी। यानी चाणक्य नीति में उद्धृत समृद्ध भारत के विचार को मोदी वास्तविकता की जमीन पर उतारने पर काम कर रहे हैं। इसी पुस्तक में अमित शाह आगे लिखते हैं कि चाणक्य ने देश के अर्थतंत्र के लिए बहुत अच्छे सिद्धांत गढ़े हैं। चाणक्य नीति के मुताबिक हमारी कर नीति कैसे होनी चाहिए, इसका उदाहरण निर्मला सीतारमण ने इस दफे का बजट प्रस्तुत करते हुए साफ किया था। चाणक्य नीति के मुताबिक राजा को राज्य के करदाताओं से कर ऐसे लेना चाहिए जैसे भवरा पुष्प से मधुपान करता है। इस प्रक्रिया में ना तो पुष्प की सुगंध खत्म होती है, ना ही फूल का सौंदर्य ही प्रभावित होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि टैक्स अधिकार भवरे की तरह है जो पुष्प से मधु बिना नुकसान पहुँचाए इकट्ठा करते हैं। ये कथन मोदी सरकार की कर नीति की झलक दिखा रही है। चाणक्य ने कहा था कि नए व्यापार को टैक्स फ्री रखना चाहिए, सो मोदी सरकार ने भी स्टार्टअप इंडिया को टैक्स फ्री रखा है। मोदी सरकार का नारा सबका साथ सबका विकास, जो 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान दिया गया था, वो चाणक्य नीति से ही लिया गया था। अमित शाह ने लिखा है कि जब नरेंद्र भाई कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो, तो वे चाणक्य की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी अपने किसी भी भाषण की शुरुआत में जरूर कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति का विकास होना चाहिए, यह भी चाणक्य नीति में उद्धृत है। चाणक्य नीति कहती है सबका विकास होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए और विकास की प्रक्रिया में सभी की हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। दिलचस्प है कि चाणक्य नीति ने शासन की नीतियों पर ही सिर्फ गहरा प्रभाव नहीं डाला है, बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं को प्रधान सेवक कहना भी चाणक्य नीति का ही एक हिस्सा है। वित्त मंत्रालय पर पूरा प्रभाव चाणक्य नीति का है। इसका उल्लेख करते हुए अमित शाह लिखते हैं कि 2300 साल पहले रेगुलेटर की कल्पना चाणक्य ने सबसे पहले की थी। कोषागार का निर्देशक राजा से स्वतंत्र होता था, राजा से बंधा हुआ नहीं, यानी प्रधानमंत्री से बंधा नहीं होता था। राजा के आदेश की अवहेलना करने पर उसे फांसी की सजा नहीं होती थी। इसका उदाहरण रिजर्व बैंक और सेवी की स्वायत्तता पर दिखता है, जहां रघुराम राजन और उर्जित पटेल से मतभेदों के बाद उनकी विदाई चाणक्य नीति का ही एक हिस्सा है। शाह लिखते हैं कि राजस्व जुटाने के 6 तरीके चाणक्य ने बताए थे, जिसमें संपत्ति कर की कल्पना प्रमुख थी। शाह विदेश नीति पर चाणक्य के विचार का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि विदेश नीति पर चाणक्य के विचार इतने सूक्ष्म और यथार्थवादी हैं कि उसे देखकर लगता है कि विदेश नीति के पंडितों को चाणक्य से सीखना चाहिए। चाणक्य की विदेश नीति में विग्रह नीति का अर्थ है जो युद्ध करते हैं उससे युद्ध ही विकल्प है। बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक चाणक्य नीति का एक हिस्सा माना जा सकता है। सेना पर हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया। जम्मू कश्मीर पर अलगाववादियों से बातचीत की पॉलिसी के विपरीत NSA अजीत डोवाल की पॉलिसी के पीछे भी चाणक्य नीति का हाथ बताया जाता है। चाणक्य की साम दाम दंड भेद की नीति पर अमित शाह कहते हैं कि इसका प्रयोग व्यक्ति के लिए नहीं,
राष्ट्र को यशस्वी बनाने के लिए करना चाहिए। सत्य और असत्य क्या है इसे जानने के लिए चाणक्य के शिष्य पूछते हैं कि आप पर कई गणराज्यों के प्रमुखों की हत्या का आरोप है, इसके पीछे का सत्य क्या है। तो चाणक्य इसका जवाब देते हुए कहते हैं, जो काम करते समय अंतरात्मा कहे वो कार्य कर लेना चाहिए, वही सत्य है। मैंने स्वयं के लिए कुछ नहीं किया, राष्ट्र को एक करने के लिए मेरा सारा कर्तव्य है। परिवारवाद पर अमित शाह स्पष्ट लिखते हैं कि चाणक्य के समय राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता था। चाणक्य ने कहा, जो श्रेष्ठ है वही ज्येष्ठ है, वही राजा बन सकता है। अमित शाह ने कांग्रेस के परिवारवाद पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि चाणक्य ने 2300 वर्ष पहले राजनीति में परिवारवाद की भूमिका को कम करने के प्रयास किए थे। कांग्रेस नए अध्यक्ष की खोज के लिए चाणक्य से सीख सकती है। चाणक्य कहते हैं कि अगर एक ही बेटा है जो सूझबूझ वाला नहीं है तो उसे राज नहीं देना चाहिए, उसकी जगह किसी और योग्य व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए। सो मोदी सरकार की नीतियों को समझने के लिए आपको चाणक्य नीति समझनी होगी। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।